किसानों के लिए खुशखबरी, इस खेती के लिए आधे पैसे देगी सरकार, लाखों कमाने का मौका। नमस्कार दोस्तों, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार बांस की खेती को प्रोत्साहन दे रही है, इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्री ने भारत में बांस को लेकर अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिचर्चा को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए गुरुवार को यह बात कही। एक अधिक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि दो दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया ने किया। तोमर ने कहा कि सरकार बांस क्षेत्र के विकास के लिए जांच परख कर रही है। बांस की खेती किसानों की आय दुगना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लोगों की आजीविका में सुधार होगा। देश के किसानों के विकास के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं चला रही है। नेशनल बैम्बू मिशन भी उन्हीं कुछ योजनाओं में से एक है। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत आप बांस की खेती कर लाखों कमा सकते हैं। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत आप अगर बांस की खेती करते हैं तो आपको प्रति पौधा 120 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे शुरू कर सकते हैं बांस की खेती। बता दें कि मोदी सरकार ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से साल 2018 में हटा दिया है। अब आप बिना किसी रुकावट के आसानी से बांस की खेती कर सकते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ निजी जमीन के लिए ही किया गया है। जो फॉरेस्ट जमीन पर बांस है उन पर यह छूट नहीं दी गई। वहां पर वन कानून लागू होगा। सरकारी नर्सरी से पौधा फ्री मिलेगी। इसकी 136 प्रजातियां हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग बांस की किस्में, लेकिन उनमें से 10 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। यह देख कर प्रजाति का चयन करना होगा कि आप किस काम के लिए बांस लगा रहे हैं। अगर फर्नीचर के लिए लगा रहे हैं तो संबंधित प्रजाति का चयन करना होगा। बांस की खेती आमतौर पर 3 से 4 साल में तैयार होती है। चौथे साल में कटाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका पौधा 3-4 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसीलिए इसके बीच की जगह पर आप कोई और खेती कर सकते हैं। इसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होंगी। बांस लगाएंगे तो फर्नीचर के लिए पेड़ों की कटान कम होगी, इससे आप पर्यावरण रक्षा भी करेंगे। अभी हम काफी फर्नीचर चीन से मंगा रहे हैं, इसीलिए आप इसकी खेती से इंपोर्ट कम कर सकते हैं। जरूरत और प्रजाति के हिसाब से 1 हेक्टेयर में 1500 से 2500 पौधे लगा सकते हैं। अगर आप 3 × 2.5 मीटर पौधा लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में करीब 1500 प्लांट लगेंगे। साथ में आप 2 पौधों के बीच में बची जगह में दूसरे फसल उगा सकते हैं। 4 साल बाद 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई होने लगेगी। हर साल रिप्लांटेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांस की पौध करीब 40 साल तक चलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।